पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होता है वो तो हम सबको पता है, और ये किस काम आता है वो भी हम सबको पता है। अगर आपको आपका पब्लिक आईपी एड्रेस जानना है तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको क्या करना होगा, फिर भी बता देता हूँ। आपको गूगल पर जाना है, वहाँ पर सर्च करना है व्हाट इज़ माय आईपी एड्रेस, और गूगल आपको बता देगा कि आपका पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है। लेकिन हम इस चीज़ को थोड़ा सा आसान करने वाले हैं, हम इस चीज़ को एक प्रोग्रामर के व्यू से देखने वाले हैं, और आज हम एक पाइथन का प्रोग्राम बनवाने वाले हैं जो कि हमें हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस बताएगा। तो आ चुके हैं हम हमारी स्क्रीन पे। सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूँ कि दिखा देता हूँ एक डेमो कि हमारा जो प्रोग्राम है वो कैसा दिखने वाला है फ्यूचर में, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट कैसा होगा। तो मैं टर्मिनल में लिखता हूँ पाइथन 3 और फिर मेरे प्रोग्राम का नाम, और फिर हम इसको एंटर करके रन कर देते हैं। तो अभी ये क्या करेगा देखो, अब ये साइड में ये देखो मेरा आईपी एड्रेस, वर्जन, रीजन, कंट्री और आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये सब इन्फो आ चुका है और मुझे पता चल चुका है कि मेरी पब्लिक आईपी क्या है। अभी अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो ये देखो आईपी इन्फो नो इंटरनेट कनेक्शन आ चुका है। अभी मैं इसको फिर से रन करता हूँ तो यहाँ पर फिर से मुझे मेरी आईपी एड्रेस शो हो रही है जो कि मेरी पब्लिक आईपी है, और ये प्रोग्राम यानी कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है आपको। और ये आपको गूगल पर सर्च करने वाले झंझट से भी बचाने वाला है। तो चलो वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हम इसको कैसे बनाना है। तो अभी पहले समझ लेते हैं कि ये प्रोग्राम काम कैसे करेगा। तो ये है हमारा, ये पाइथन है, यहाँ पर ये पाइथन में रिक्वेस्ट मॉड्यूल इंस्टॉल्ड है। इस जो प्रोग्राम में रिक्वेस्ट मॉड्यूल मेन मॉड्यूल होगा। अभी आपको अगर आपके रिक्वेस्ट मॉड्यूल इंस्टॉल्ड नहीं है तो आपको टर्मिनल खोलना है, यहाँ पर लिखना है pip install request और हो जाएगा। अगर आप लिनक्स में हो मेरी तरह तो आपको pip 3 लिखना है, और वैसे तो ये मॉड्यूल प्री इंस्टॉल्ड ही आता है, यानी कि अगर आप पाइथन का 3.8 3.9 वर्जन यूज़ कर रहे हो तो उसमें रिक्वेस्ट मॉड्यूल प्री इंस्टॉल्ड ही आएगा। लेकिन अगर बाय द वे ये मॉड्यूल प्री इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप इसको ऐसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो अभी आपको क्या करना है, ये देखो ये रिक्वेस्ट मॉड्यूल है जो कि पाइथन में आपका इंस्टॉल्ड है, ये सर्वर है जहाँ पर हम रिक्वेस्ट जाएगी। अभी रिक्वेस्ट मॉड्यूल किस लिए यूज़ होता है, ये सर्वर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए ही यूज़ होता है। पाइथन में रिक्वेस्ट मॉड्यूल की मदद से हम वेबसाइट्स को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और उनसे रिक्वेस्ट रिसीव कर सकते हैं। अभी क्या होगा, ये रिक्वेस्ट मॉड्यूल से हम इस सर्वर वाली वेबसाइट को रिक्वेस्ट भेजेंगे, है ना। तो ये जो सर्वर वाली वेबसाइट है ये हमें वापस एक जेसन फॉर्मेट में टेक्स्ट भेजेगी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर ये जेसन फॉर्मेट में टेक्स्ट भेजेगी जिसमें कि हमारा आईपी एड्रेस, हमारा रीजन, हमारा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जहाँ से आईपी एड्रेस जनरेट हो रहा है, कौन सी कंट्री का आईपी एड्रेस है, कौन से रीजन का है, सारा का सारा इन्फो यहाँ पर शो होगा इस जेसन टेक्स्ट फाइल में। फिर हम इसको एक्सेस करेंगे और इसको सिंपली प्रिंट कर देंगे। तो काफ़ी बेसिक सा है आइडिया, और यहाँ पर रिक्वेस्ट मॉड्यूल से सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी, सर्वर से रिक्वेस्ट वापस आएगी, वो हमें जेसन टेक्स्ट फाइल भेजेगा या फिर टेक्स्ट भेजेगा, और फिर बस हो जाएगा सारा का सारा काम। अभी मैं आपको फिर से दोबारा एक दिखा देता हूँ कि कैसे होगा। मैं यहाँ पर अपना पाइथन को लॉन्च करता हूँ, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि रिक्वेस्ट मॉड्यूल आखिर काम कैसे करता है। तो यहाँ पर मैं सिंपली अपने पाइथन को जो है वो लॉन्च कर देता हूँ, पाइथन 3 को। यहाँ पर इम्पोर्ट रिक्वेस्ट, और मेरे रिक्वेस्ट मॉड्यूल इंस्टॉल्ड है इसीलिए कोई एरर नहीं आया। ये वाले एरर को आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन रिक्वेस्ट मॉड्यूल मेरे इंस्टॉल्ड है। तो अभी हम क्या करते हैं, आईपी इक्वल रिक्वेस्ट डॉट गेट, और यहाँ पर जाएगा वेबसाइट का यूआरएल। अभी मेरे पास एक वेबसाइट है जो कि एपीआई की मदद से, या फिर हमें जो हमारा आईपी एड्रेस है वो रिटर्न करती है अगर उसको रिक्वेस्ट जाती है, तो उस वेबसाइट को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी मेरे क्लिपबोर्ड में होगी वो कहीं, ये रही, तो इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। आई डोंट नो, ओके पेस्ट हो चुकी है, अभी कोई एरर आ रहा था, शायद पीसी हैंग हो चुका था, और अभी ये उसके पास गया, रिक्वेस्ट लेकर आ चुका है। ये सारा का सारा प्रोसेस बैकग्राउंड में हुआ इसलिए हमें फोरग्राउंड में या फिर यहाँ पर स्क्रीन पर शो नहीं हुआ। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको सिंपली प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट आईपी डॉट टेक्स्ट,
अभी जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ये देखो यहाँ पर सारा का सारा हमारा आ चुका है। ऑर्ग मतलब ISP ऑर्गेनाइजेशन, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भारती एयरटेल। मैं अपने फ़ोन से हॉटस्पॉट यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर ये देखो मेरा IP एड्रेस, नेटवर्क वर्जन, सिटी जहाँ से IP एड्रेस जनरेट हो रहा है, ये मेरा एड्रेस नहीं है, ये IP का है। और ये सारा कुछ, ये हमारा यानी कि मेरा पब्लिक IP एड्रेस का सारा इन्फो आ चुका है। अभी ये जो है डिक्शनरी फॉर्म में है, ये देखो यहाँ पर ब्रैकेट है। आपको अगर पाइथन की थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तो आपको पता होगा एक डिक्शनरी क्या होती है। ये वैल्यू है और ये जेसन फॉर्मेट में लिखा गया सारा, लेकिन पाइथन में हम इसको डिक्शनरी फॉर्म में भी कह सकते हैं। तो बेसिकली ऐसा है कि ये कैसे काम करता है रिक्वेस्ट मॉड्यूल। तो अभी हम क्या करेंगे, मैंने ये फोल्डर बना लिया, इसमें मैं न्यू फाइल क्रिएट करूँगा ip-checker.py। और अभी इस मॉड्यूल में हमें क्या करना है, सॉरी फाइल में रिक्वेस्ट मॉड्यूल को सबसे पहले इंपोर्ट करना है। उसके बाद अभी हम क्या करेंगे कि हम request.get लिख देंगे, ip equal request.get, इसके अंदर हम उसी वेबसाइट का URL डाल देंगे। ये आ चुका है ये वेबसाइट, अगर आप इस वेबसाइट को विजिट करोगे तो आप अपना IP एड्रेस और बाकी चीज़ें देख सकते हो। आप कोई भी वेबसाइट चूज़ कर सकते हो, वैसे मैंने ये वाली चूज़ की, तो स्पेशली वो वेबसाइट API को सपोर्ट करनी चाहिए। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो है मैं दिखा देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ, फिर से वही करते हैं IP। अभी इसको रन करते हैं, अभी सॉरी थोड़ा पीसी स्लो है। रिस्पॉन्स 200 का मतलब क्या है, 200 का मतलब HTML में होता है कि हाँ भाई ओके है, रिस्पॉन्स सही है, सारा का सारा काम सही हुआ। अभी अगर इसको हम ip.text में करके फिर हम इसको रन करते हैं, तो अभी जो प्रिंट हुए है चीज़ वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में हुई है। जो फाइल के अंदर टेक्स्ट था वो सारा का सारा आ चुका है। यहाँ पर ये हमारी IP, नेटवर्क, सिटी, वर्जन, रीजन, ये सारा का सारा आ चुका है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें सिर्फ ये IP को प्रिंट करना है, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है। तो अभी क्या करता हूँ, इसको मैं इसका नाम चेंज करके इन्फो रख देता हूँ, या फिर रिस्पॉन्स रख देता हूँ उसका नाम रिस्पॉन्स, क्योंकि ये रिस्पॉन्स है जो कि हमें सर्वर की तरफ से आया है। इसके बाद ये प्रिंट स्टेटमेंट को आप ख़त्म कर सकते हो। इन्फो के अंदर मैं क्या करूँगा, response.json। तो जब भी हम इन्फो को प्रिंट करेंगे तो ये response.json नाम का जो टेक्स्ट है या फिर फाइल है वो प्रिंट हो जाएगी। तो अभी हमें क्या करना है, इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको हम देखते हैं कि क्या क्या वैल्यूज है इसके अंदर। फिर से एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, response.json। तो ये रही किया, अभी ये रिस्पॉन्स ये देखो आ चुका है, ये सारा का सारा रिस्पॉन्स, इसको मैंने चेंज करके टेक्स्ट में कर दिया अभी, क्योंकि हमें रिस्पॉन्स देखना था। अभी ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम आप चेक कर सकते हो कि डिक्शनरी के फॉर्म में है और ये जेसन फॉर्मेट में है। जेसन जावा की एक होती है फाइल के टाइप होती है जेसन, जैसे कि पाइथन की .py होती है वैसे ही जावा की .json होती है। इसको हम अभी एक्सेस कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। मैं एलिमेंट का नाम रख देता हूँ IP और फिर उसके बाद इसका नाम क्या है इन्फो, इस एलिमेंट का नाम क्या है इन्फो, इसके अंदर क्या है response.json नाम की फाइल। तो हमें क्या करना है, response.json में से ये जो IP एलिमेंट है इसको एक्सेस करना है और इसकी जो वैल्यू है उसको प्रिंट करना है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। इन्फो लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, उसके अंदर हम दो और इसके अंदर हम लिख देंगे IP। बस इतना सा काम है। अभी अगर हम प्रिंट IP करते हैं, प्रिंट IP है ना, और इसको हम बंद कर दें, तो अभी आप देख सकते हो कि एक एरर आ चुका है। आई एम सॉरी। तो
info:response.json ip method object is not line number 5. Okay, so something is wrong here. I think मुझे नाम ये नहीं रखना चाहिए. मुझे नाम अगर मैं ये नाम रखता हूँ तो शायद ये चलेगा. अभी नहीं, अब अजय भी नहीं चल रहा. ये गल की है. ओके, तो इसके बाद हमें ब्रैकेट भी लगाना है. तो अभी हमें क्या करना है कि इसको प्रिंट कर देना है. मैंने इसका तो अभी हमें क्या करना है कि इसको प्रिंट कर देना है. ये जो हमने वेरिएबल बनाया था और उसके अंदर इन्फो सेव किया है, उसके अंदर हमने क्या कहा है कि आईपी नाम का जो एलिमेंट है उसको प्रिंट कर देना है यहाँ पर. तो अभी हम अगर इसको रन करेंगे तो थोड़ा सा वेट करते हैं और यहाँ पर हमारी पब्लिक आईपी आ चुकी है. तो अभी हमें क्या करना है, हम और एलिमेंट्स बना देते हैं ऐसे. पहले फिर से हम इसको बंद कर देते हैं और इसको अनकमेंट कर देते हैं. इसको कमेंट कर दिया था मैंने. response.json को फिर से प्रिंट करते हैं और यहाँ पर हमें अभी इन एलिमेंट्स के जो नाम है उसको एक्सेस करना है. अभी इसका नाम था आईपी. आईपी के नाम का मैंने वेरिएबल बना दिया था. नेटवर्क, नेटवर्क की हमें ज़रूरत नहीं है. वर्जन, हमें वर्जन चाहिए. वर्जन चेक करना है आईपी का कौन सा, यानी कि IPv4 है या फिर तो अभी हमें क्या करना है, सारे को प्रिंट कर देना है. तो प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे हम और क्या करेंगे, आईपी इक्वल और उसके बाद हम प्लस, इसको भी फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा मैं.